जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ एक खास दिन को लेकर। आज मैं बात करने आई हूँ इस साल का सबसे पहला शनि प्रदोष व्रत। शनिवार को महाशिवरात्रि है और शनिवार को ही पड़ रहा है प्रदोष, तो यानी कि शनि प्रदोष व्रत। आपको पता है इस शनि प्रदोष व्रत की खासियत ये भी है, सबसे पहले तो ये कि ये शनिवार को है, दूसरा ये 18 फरवरी को कहीं ना कहीं इस योग में पड़ रहा है, इस व्रत में पड़ रहा है सबसे अच्छा योग सर्वार्थ सिद्धि योग। तो 18 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 5:42 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 19 फरवरी की सुबह 6:50 तक रहने वाला है। तो इस शुभ योग में आप जिस भी मनोकामना से व्रत रखकर पूजा करते हैं, शिव जी का, माँ पार्वती का, जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। कहीं ना कहीं ये योग कार्यों में सफलता भी प्रदान करवाने वाला माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग, मतलब जो किया वो सिद्ध हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक खास उपाय की, उपाय क्या करता है, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ एक जन्म कुंडली की, क्योंकि ये जन्म कुंडली जो हमारे पास आई है मैं आज इस वीडियो में आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करके भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि प्लस शनि प्रदोष पर क्या खास उपाय करना है। आपको जो समय मैंने आपको बताया है उस समय में आपको 9 बत्ती का दीपक जलाना है। 9 बत्ती का दीपक घी का दीपक जलाना है, जिसमें आपको डालने हैं 9 चावल के दाने। चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आपको मैं सच बताऊं इस उपाय को करने से आपको समृद्धि भी जरूर मिलेगी। बस ये उपाय आपने जो करना है, टाइम का ध्यान रखना है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में ही करना है, यानी कि ये उपाय आपने 18 तारीख की 5:40 से लेकर के 19 फरवरी सुबह 6:50 के बीच में करना है। 9 बत्ती का दीपक आपने शिवलिंग के पास जाकर वहां पे जलाना है, घी का दीपक, और उसमें 9 दाने चावल के डालने हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम जो जन्म कुंडली हमारे पास आई है, जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं और जानते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा क्या है, क्यों इतनी परेशानियां हैं। ये शिखा जी की कुंडली हमारे पास आई है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1992, बर्थ टाइम है 3:40 दिन का, और बर्थ प्लेस है गुड़गांव का। तो शिखा जी, आपका मिथुन राशि कर्क लग्न की कुंडली है, और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको, आपका जो क्वेश्चन था कि आपको पैनिक अटैक्स बहुत आते हैं, वो इसलिए आपको पैनिक अटैक के साथ में, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैं कहती हूँ जब जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो ये मानसिक अशांति देता है, मानसिक बीमारी बहुत देता है, मानसिक रोगी बना देता है, जिसमें पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं शुक्र मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। यही वजह है कि आपकी शादी होकर 1.5 महीने के अंदर तलाक की नौबत आ गई, क्योंकि आप मांगलिक हैं, और मांगलिक होना गलत नहीं है, आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, मांगलिक होना गलत नहीं है, लेकिन आपका मंगल क्योंकि शुक्र के साथ विराजमान है 7th हाउस में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सप्तम भाव में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, देखिए 7वां घर शुक्र का है, अपने ही घर में है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल शुक्र का ये योग साफ साफ बताता है कि आपकी ये शादी टूटी भी आप ही की वजह से है। पास में आपके पर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं जो आपके हस्बैंड को पता चल गया है, जिसकी वजह से आपकी शादी टूट गई है। अब प्लीज आप कमेंट पे मुझे येस नो जरूर बताइएगा, या फिर आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। इनफैक्ट राहु क्योंकि आपके 6 घर में है, तो इसका एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा कि आपकी लाइफ में जो भी दुश्मन बनेंगे ना, वो खुद ब खुद आपसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मतलब दुश्मन आपको ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु जिस घर में बैठता है उस घर की चीजों को खत्म कर देता है। तो राहु यहाँ बैठ गया 6 घर में, यानी कि रोग, कर्जा, बीमारी के घर में, तो यहाँ पर राहु क्या करेंगे, आपके बेसिकली दुश्मनों को कम करेंगे।
साथ में सूर्य बुध का मेल आपके अष्टम घर में। अब इस सूर्य बुध के मेल को अष्टम घर में मैं एक प्रेडिक्शन आपको देती हूँ, आप अपनी फैमिली में पूछिएगा, आपकी जो बुआ है या आपकी जो मौसी है, मौसी और बुआ दोनों में से अगर दोनों ही हैं, या तो कोई एक जन होगा, या तो मौसी होगी या बुआ होगी, और अगर दोनों ही है तो डेफिनेटली किसी ना किसी की शादीशुदा जिंदगी इतनी कष्ट में रही है, दो शादी रही होंगी और दोनों ही नहीं चली होंगी, फाइनली आपकी बुआ और मौसी दोनों में से किसी को अपने फादर के घर पे आकर वापस रहना पड़ा होगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है जो आपने मुझे नहीं बताया, जो आप मुझे अब बताएंगे कैसा है या नहीं है। आपने जो मुझसे सवाल किया है, उपाय के तौर पे आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण चंद्रमा को लगा हुआ है और कहीं ना कहीं साथ में मांगलिक हैं आप, जो कि आपके लिए अच्छा योग नहीं है, आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो इसमें आप अपने जिद्दी नेचर को थोड़ा सा कम करिए, आप अपनी हर बात पे अड़ जाती है, ये शादी करने की भी आपको जल्दी थी, शादी तोड़ने की भी आपको जल्दी थी, मैं जानती हूँ आपको कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है, आपने मुझे क्या बताया है ये आप भी जानते हो, मैं आपको कितना कुछ बता रही हूँ ये भी आप समझ गई होंगी। तो उपाय के तौर पर सबसे पहले आप उपाय करिए, 40 दिन लगातार आप एक दूध का पैकेट लीजिए, माथे से टच करके शिवलिंग के समक्ष रख कर आइए। ये उपाय आपको शुक्रवार से शुरू करना है, ये उपाय सुबह के समय करना है, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, दिन छुपने के बाद में नहीं करना है। और साथ ही में आप इन 40 दिनों में नॉनवेज, अल्कोहल और एग का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। जिन दिनों आप ये उपाय नहीं कर सकती हैं फीमेल इशू की वजह से, तो आप अपने बिहाफ पर ये उपाय अपनी मदर या फिर अपने फादर से करा सकती हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ आपको 6 से 7 दिन में फर्क जरूर दिखेगा। बाकी चीजों के लिए जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दी है, वो जब आप मुझे कॉल करेंगी तभी बताएंगी या मैसेज करेंगी तब आप मुझे बताएंगी कितना सच है और कितना मैंने गलत बताया, क्या पता मैंने गलत बताया हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। और बाकी जो लोग भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का वेट कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट कर मुझसे आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। जय माता।